मोहनगढ़ थाना अंतर्गत ग्राम रानीपुरा निवासी भज्जू केवट पिता लटोरा केवट आयु 45 वर्ष ने रात्रि में अज्ञात कारणों से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जब परिजनों ने सुबह फांसी पर लटका देखा तो सारे घर में रुदन सा मच गया और परिजनों ने जाकर मोहनगढ़ थाना में सूचना दी, जिस पर मोहनगढ़ पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को फांसी से उतारकर मौके पर पंचनामा बनाकर केस को विवेचना में लिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय भेज दिया। फांसी लगाने का कारण अभी तक अज्ञात है। मोहनगढ़ से अब्दुल शुक्ला की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मध्य प्रदेश शासन की निरोगी काया अभियान के तहत मंगलवार को बेटमान नगर में विशाल निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। स्थानीय गुरुद्वारा परिसर में प्रातः 9 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजन इस शिविर में गर्भवती महिलाओं व बच्चों का विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। शिविर का शुभारंभ मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक विशाल पटेल ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस शिविर में अपर कलेक्टर पवन जैन, SDM प्रतुल सिन्हा, CMO राजा यादव, नगर परिषद अध्यक्ष धर्मवीर सिंह चौहान और मेडिकल ऑफिसर VS चौधरी सहित कई अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। वहीं पंचायत और राजस्व से जुड़े कर्मचारियों ने अपनी सेवाएं भी दी। शिविर के दौरान 298 गर्भवती महिलाओं की निःशुल्क सोनोग्राफी की गई, साथ ही 780 गर्भवती महिलाएं, 67 हाई रिस्क महिलाओं की जांच की गई। बेटमा से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। मेरे विकलांगता की बैटरी वाली साइकिल से सर जी और ये मेरे मंत्री सरपंच नहीं सुन रहे हैं यहाँ का। वो मैं कब से ढूंढ रहा हूँ, वो ना पता है अब आया क्या, तो बेटमा पहुंच में आ रहा हूँ, अभी तक नहीं आया। कौन सा गाँव की? ओसुरुद। हाँ, सांगवी। तो किस लिए आए हो, क्या क्या नहीं बना है तुम्हारा? ये देखो, ये पंजीकरण ने आईडी कार्ड बना। अच्छा, विकलांगता कार्ड नहीं बना हुआ है। अच्छा, तो आपको क्या साइकिल मिलेगी, क्या मिलेगा? अभी कह नहीं सकता, साइकिल तो अभी कह नहीं सकता मैं। अभी है साइकिल आपके पास? अभी साइकिल। हाँ। तो यहाँ फिर और क्या सहायता चाहिए आपको? ये मुझे खाली भी पेंशन वही है, सर्टिफिकेट बनाना चाहिए। अच्छा, सर्टिफिकेट बनाना है। हाँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? दिनेश सोलंकी। फायदा मिला यहाँ आपको? यहाँ के बोलिए कि शिकायत थी, फार्म भरा। अच्छा अच्छा। इससे सुविधा मिलेगी, आप फार्म भर कर दिया। जांच वगैरह हो गई? कौन से गांव से? कौन से गांव से आए? अच्छा, वहाँ से आपको कौन लाया? हमारे पति लेके आए। अच्छा अच्छा, तो ये इसकी जानकारी आपको कैसे मिली थी इस कैंप की? आंगनवाड़ी की सहायता से मिली। आंगनवाड़ी से? हाँ, मिली थी आपको? और पंचायत द्वारा भी मिली। अच्छा, तो वहाँ से पंचायत से कोई सुविधा मिली आने की या घर के साधन से आए? खुद के साधन। हाँ। यहाँ जांच वगैरह सब हो गई आपकी? हाँ, हो गई। अच्छा, जांच में क्या बताया यहाँ पे आपको? ये फार्म भर गया पोलियो का है। तो पोलियो की अब इसकी जाँच कहाँ होगी आपकी, कहाँ का बोला इन्होंने? वो अभी बोला नहीं है कि वो फार्म जमा कर लिए हैं। अच्छा, फार्म जमा कर लिए? कहाँ पे बुलाया? अभी बुलाया नहीं है। अच्छा अच्छा। यहाँ के इलाज से संतुष्ट है? हाँ। ये पिछली बार भी यहाँ 22 तारीख को एक स्वास्थ्य शिविर रखा गया था और उसी के अनुक्रम में एक दूसरा स्वास्थ्य शिविर है। कोशिश ये है कि जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को स्वास्थ्य के संबंध में सुविधाओं का थोड़ा सा अभाव रहता था, उसकी पूर्ति के लिए इस उद्देश्य को लेकर के हम लोग यहाँ आए हैं। तो कोशिश ये है कि इस तरह के शिविर और भी हम रिमोट एरियाज में लगाते रहें ताकि महिलाओं का जो स्वास्थ्य को लेकर के उनको सुविधाएँ मिलनी है वो शिविर के माध्यम से हम लोग दे पाएं। इस तरह के हम लगातार फॉलो अप कैंप लगाते रहेंगे और कोशिश ये है कि इसमें ग्रामीण क्षेत्र की अधिक महिलाओं को हम लाभ दे पाएं। अमरनाथ जी की एक सोच है, कहीं ना कहीं पिछली सरकारों का एक खामियाजा जो आज यहाँ देखने को मिल रहा है। हर एक हॉस्पिटल में ग्रामीण क्षेत्र हो या शहर हो, डॉक्टर की कमी है। उसी कमी को लेकर माननीय कमलनाथ जी ने एक नया अभियान शुरू किया है, निरोगी काया अभियान, कि हर छोटे शहर में, हर तहसील स्तर पे हो या नगर पंचायत स्तर पे हो या और छोटे गांव पे, जैसे हम आम जनता को कैसे हम सुविधा मुहैया करा सके, सरकारी शिविर के माध्यम से उनको कैसे निरोगी रख सकें और कैसे उन सबको, हर एक व्यक्ति को सोनोग्राफी हो, विकलांगता के फॉर्म हो या जो भी उनकी जन समस्या हो या जो उनकी शारीरिक समस्या हो, उसका निवारण कैसे हो, ऐसे इसीलिए ये स्वास्थ्य शिविर, निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर माननीय कमलनाथ जी के आदेश से यहाँ लगा है। और ये दूसरा अभियान है हमारा, पहला बिफालपुर था, आज बेटमा में है और निश्चित तौर पर छोटे छोटे गाँव में भी हम जाएंगे।
बेटमा में हमने हेल्थ चेकअप कैंप शिविर का आयोजन किया है, जिसमें गर्भवती महिलाओं के जांच करने के साथ ही यदि आवश्यक है तो उनके हम फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे सोनोग्राफी भी करा रहे हैं, यदि पैथोलॉजिकल टेस्ट की ज़रूरत पड़ रही है तो पैथोलॉजिकल टेस्ट करा रहे हैं और निःशुल्क दवाइयों का वितरण कर रहे हैं। कोई शिशु है यदि उसको किसी प्रकार की कोई कठिनाई है, कोई बीमारी है, तो उसकी जांच करके उसका इलाज भी यहाँ पे किया जा रहा है। इसके अलावा जो आधार कार्ड बनाने का कैंप है वो भी आज हमने विशेष रूप से यहाँ पे आयोजित कराया है, जहाँ पर कि न केवल आधार कार्ड, नवीन आधार कार्ड का पंजीयन किया जा रहा है, बल्कि यदि आज किसी के आधार कार्ड में त्रुटि है तो उसके संशोधन की कार्रवाई भी की जा रही है। इसके अलावा दिव्यांगों को विशेष पहचान पत्र दिए जाने तथा आयुष्मान कार्ड के लिए लोगों को आइडेंटिफाई करने और उनके वितरण की व्यवस्था भी की गई है। मेडिकल बोर्ड भी यहाँ पे आया है जो दिव्यांगों की पहचान कर रहे हैं और उन्हें आवश्यकता अनुसार सर्टिफिकेट भी वितरित किए जाएंगे। जैसा कि आपने देखा, नगर परिषद जो बेटमा है उनके द्वारा आज स्वच्छता वाहन का लोकार्पण भी कराया गया है, यूटेंसिल बैंक उनके द्वारा बनाया गया है और प्लास्टिक मुक्त भारत के जो एक सोच है उसमें सराहनीय पहल करते हुए थैले का वितरण भी उनके द्वारा कराया गया है। जांच कितने प्रकार की हुई सर यहाँ पर, कौन कौन सी हुई है जांचें? पैथोलॉजिकल टेस्ट में ब्लड टेस्ट जो है वो प्रमुखता से हुए हैं। ब्लड हुआ, अच्छा, ये जांच के लिए फिर इनको यहाँ से कहाँ रेफर करेंगे? अगर फर्दर इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता है तो फिर इनको MY ले जाएंगे। MY, थैंक यू। निःशुल्क महिला स्वास्थ्य शिविर आज यहाँ रखा गया था, उसमें बहुत सारी महिलाओं ने इसका लाभ उठाया। यहाँ फ्री में पैथोलॉजी की जांच और सोनोग्राफी की सुविधा, बच्चों की शिशु रोग विशेषज्ञ द्वारा निःशुल्क जांचें की गई, बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ का फायदा उठाया। मेडिकल बोर्ड भी बैठा हुआ था यहाँ, जिसमें मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह और ये सारी चीज़ों की व्यवस्था की। कहाँ कहाँ से आए थे इसमें लोग? इसमें स्त्री रोग विशेषज्ञ इंदौर से बुलाए गए थे और शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर भी आए थे और बहुत सारे लोगों ने जो आसपास के यहाँ के गांव के इलाके लगते हैं जो कभी सोनोग्राफी वगैरह नहीं करवा पाते हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती है, गरीब लोगों ने भी बहुत फ़ायदा लिया है इसका। कौन कौन सी जाँचें हुई यहाँ पर, कौन कौन सी बीमारियों की जाँचें हुई यहाँ? हीमोग्लोबिन की जाँचें, ANC प्रोफाइल, मलेरिया टाइफाइड वगैरह ये सारी जाँचें हुई, HIV, HBSAG, TB की जाँचें और सोनोग्राफी की जाँचें। अच्छा, कोई केस अगर कोई होगा तो फिर उसके लिए क्या है उसको आगे की, अगर कोई ज़्यादा अगर कोई केस रहा वो डिफिकल्ट तो उसके लिए कहाँ रेफर वगैरह कर? हाई रिस्क गर्भवती महिला का पता चलता है तो उसके लिए एक नया प्रोग्राम बनाया गया है, जिसमें अपन उसको ट्रेक करेंगे, टेक करेंगे, मानो किसी ANM से जोड़ दिया जाएगा उसको और उस ANM से फिर उसकी जानकारी कंटिन्यूसली लेते रहेंगे और उसको हायर सेंटर पर रेफर किया जाएगा। मानो कुछ अगर उसको प्रॉब्लम आती है तो फिर आगे जाकर के उसको वहाँ जाँच की जाएगी। आपका नाम बताइए? डॉक्टर नागेश्वर मरगला, मेडिकल ऑफिसर, CFC ऑफिस। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे